ये क्या है? दूध सोडा। दूध सोडा ये किसके लिए लेके आए हो? अपने अबू जान के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी? उम्मीद करते हैं खैर वाफियत से होंगे। भाई जान, पिछला हफ्ता जो है ना धूप कड़ाके की पड़ी थी, इस वजह से आप देख सकते हैं मेरे पीछे गंदम बिल्कुल रेडी हो चुकी है, कटाई के काबिल हो चुकी है। और ना सिर्फ हमारे गांव में बल्कि ओवरऑल पंजाब में आप देखें तो कटाई का प्रोसेस शुरू हो चुका हुआ है। तो कुछ लोग हाथ से कटाई करते हैं, कुछ लोग रीपर होता है जी, जिसे हम पंजाब में रैपर कहते हैं, और कुछ हार्वेस्टर से करवाते हैं। तो मैं निकला हूँ जी बाहर, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जहाँ तक नज़र जा रही है जी, गंदम का कलर चेंज हो चुका है और कटाई भी स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं निकला हूँ बाहर जी, अगर कहीं गंदम की कटाई हो रही है तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। पहले तो मैं सिट्टा एक आपको बता दूँ, ये होता है जी सिट्टा, इसे तोड़ना यार, और इसके दाने भी आपको दिखाते हैं जी, देखिए जो गंदम के दाने होते हैं ये चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, गंदम के दाने। तो चलते हैं जी, अगर कोई कटाई कर रहा है हाथ से भी तो आपको दिखाते हैं सारा। फ्रेंड्स चलते चलते जी मैं पहुंचा हूं, तो इधर एक जगह मुझे मिल गई है जहां कटाई करके ये देख सकते हैं, इधर भी जी उन्होंने कटाई करके इसे बरी कहते हैं, इसको बांध दिया हुआ है, चेक कर सकते हैं आप। टोटली ये एक एकड़ की मेरे ख्याल से ये रकबा है जहाँ उन्होंने बांधा हुआ है, और एक इधर वो अभी लगे भी हुए हैं, वो सामने चेक कर सकते हैं आप, लगे हुए हैं। तो इधर भी इन्होंने काफ़ी हद तक काट के और इसको बांध दिया हुआ है, तो देख सकते हैं आप रस्सियों के साथ इसको बांधा हुआ है। थोड़ा क्लोज करके मैं दिखा देता हूँ, ये होती है जी एक बरी, ये रस्सी के साथ इसको बांध दिया हुआ। तो अगर इनसे बातचीत भी कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए जी मैं पहुँच गया हूँ फाइनली इनके पास, ये लगे हुए हैं, गंदम काट के रख दी हुई है और अब ये बरिया बना रहे हैं, दर्जी इकट्ठी कर रहे हैं और इसको रस्सी के साथ बांध देना है। तभी वो कह रहे हैं जी थोड़ी सी हमारी रहती है काटने वाली भी, तो वो भी प्रोसेस आपको दिखाते हैं जी कैसे काटी जाती है। ये देख सकते हैं इधर इन्होंने काट के तो नीचे रख दिए, ये एक रस्सी होती है, पहले जो ओल्ड कल्चर था उसमें खब्बड़ होता था, पंजाबी में उसे खब्बड़ कहते हैं, वो पराली होती थी उससे तैयार किया जाता था, लेकिन अब ये रस्सियाँ चल रही हैं जी, और रस्सी डाल के ऊपर एक गंदम रखी जाती है। ये देख सकते हैं एक दफ़ा सिरा इधर को करते हैं गंदम का, और एक दफ़ा इधर, और एक बरी टाइप बना दी जाती है। कहते हैं एक बार इन्होंने कंप्लीट कर लिया, इस तरह दो साइड से एक इधर भी आते हैं जी, और एक इधर इन्होंने पकड़ा हुआ है, दोनों ने पकड़ कर और इसको बांध देना है दबा के, टाइट करके बांधना, क्योंकि अक्सर नेरी वगैरह भी आती है ताकि ये खुल ना पाए,
देख सकते हैं इधर बांध के और इधर अच्छी तरह टाइट करके इसे बांध दिए। थोड़ा सा ये बता दें कि जब आप काटने बैठते हैं कितना टाइम लग जाता है आपको, रकबा कितना होता है जब आप काटना शुरू होते हैं, कितने अफराद मिल के काटते हैं और घर तक ले जाने में गंदम में कितना टाइम रिक्वायर होता है? किला डेढ़ किला होंगे, चार कनाला होंगे, दो कनाला होंगे, चौं कनाला भी है, जो सत्तर बड़े चार कनाल का ठीक ठीक है। तो माशाल्लाह दो दिन लगे ना त्रै जी या चार जी चौं बंद वाड़ है, दो कनाला चार कनाला पैली ठीक है, वढ़नी है आइए कुछ वढ़ करती कुछ वढ़न वाली है, दो तीन दिन दो बंदे हो जी होने जरूरी होंगे। जिस दिन कंप्लीट हो उस दिन मशीन लगा सकते हो जी? उस दिन लगा ठीक हो गया, लोगों की मर्जी होती है जो दिल करता लगा लेंगे, मशीन वाले को टाइम होना चाहिए। वो जी गंदम वगैरह घर खड़ दे उस टाइम चला जो कुतरी गई तो ट्राली सुटनी नाल ही घर सुट देनी दस्ती ठीक ठीक है जी। शुक्रिया जनाब, मेहरबानी। अब मैं जा रहा हूं जी, अगर कोई मुझे मिलती है मशीन जहां कटाई हो रही हो, इधर एक ये देख सकते हैं आप बाबा जी लगे हुए हैं तूड़ी इकट्ठी कर रहे हैं, इसे बोसा कहते हैं उर्दू में, पंजाबी में इसे तूड़ी कहते हैं, और बाबा जी एक कपड़े में डाल के, और ये देख सकते हैं ये तूड़ी इन्होंने मशीन के साथ, ये बोसा निकलता है एक साइड से मशीन से, एक साइड से दाने निकलते हैं। ये देख सकते हैं जी बाबा जी लगे हुए हैं तूड़ी इकट्ठी कर रहे हैं बाबा जी, बाबा जी के हाथ में त्रिंगल है जिससे वो इकट्ठा कर रहे हैं, और इधर एक कपड़ा या टाट पंजाबी में से कहते हैं वो बिछाया हुआ है, और ऊपर तूड़ी इकट्ठी कर रहे हैं और इसको बांध के फिर घर ले जाया जाएगा। बाजी को माल डंगर है अपना किन्ना के जे? ठीक हो गया किन्नी पहली है जिरी है सारी तूड़ी है ठीक हो गए ते कल कट्ठे करते पे सुबह दी देख सकते हैं जी बाबा जी खूब मेहनत के साथ लगे हुए हैं तूड़ी इकट्ठी करने। तो चलते हैं जी, अगर कोई मशीन भी लगी हुई नज़र आती है तो वो भी आपको बता देते हैं जी किस तरह दाने निकलते हैं बाहर। जी इधर बच्चा पार्टी चरपाई पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं गांव का माहौल, और ये एक इधर सामने रैपर भी लगा हुआ है जी, रीपर पंजाब उर्दू में से रीपर कहते हैं, हमारे यहाँ पंजाब में से रैपर कहते हैं जी। एक हाथ से कटाई होती है एक रैपर से और एक हार्वेस्टर से। ये है जी रैपर, पंजाबी में रैपर और उर्दू में रीपर कहते हैं, इसके साथ भी कटाई की जाती है। ये दूसरा मल है कटाई करने का। ये एक साइड को जो है ना गिराई जाती है कनक, अंकल की दौड़ लग गई है जी आगे, गट्ठा जिसे भरी कहते हैं वो पड़ी हुई है और अंकल उनको साइड पे कर रहे हैं। ये देख सकते हैं इधर एक अंकल चारा काट रहे हैं जानवरों के लिए। क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तुम सुनाओ? सेदा ठीक ने करम अल्लाह दा जनाब। की नवी ताजी है? नवी ताजी है, देख लो तुहानू नेट ते चढ़ लगे हैं। नेट ते चढ़ते हो सानू?
ਪੱਠੇ ਵੜਦੇ ਆਂ ਐਸਾ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤਾ ਪੱਠੇ ਵੜਦੇ ਆਂ ਬਹੁਤਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਰੋਕੂਗਾ, ਆਂਦੀ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਪੌਦੂ ਕੀ अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। और आंख में गर्द गुबार काफ़ी पड़ रही है, जिसकी वजह से मैं वीडियो रोकूंगा। इधर एक चरपाई मुझे नज़र आई है जी, मैं बैठ गया हूँ और फिर कंटिन्यू करते हैं जब अंधेरी मुकम्मल रुक चुकी होगी।